अगर आपकी होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट की रिमोट की खो जाती है तो आप उसको कैसे अनलॉक करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। जैसे ये रिमोट की है, ये पूरी खो जाती है, आप कहीं पर गए हों और ये पूरी खो गई तो आप कैसे अनलॉक करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे यहां पर ये चाबी लगाने का सिस्टम है लेकिन ये हटा दिया गया है। अब इसको आप ऐसे खोल नहीं सकते हैं, अगर ये अनलॉक नहीं करेंगे, यहां से बटन नहीं दबाएंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप प्रूफ के लिए, जैसे ये चाबी है तो मैं अगर इसको बटन को दबाऊंगा यहां पर तो ये अनलॉक हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ये अनलॉक हो गया और मैं चाहूँ तो इसको ये खोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लॉक कर दूँ तो यहाँ पर मैं पहले इसको अनलॉक कर देता हूँ, ये रेड हो जाए, रेड हो गई। और दूसरी चाबी भी मैं आपको दिखा देता हूँ लॉक करके, ये लॉक है, ये पहले मैंने ग्रीन कर दी, अब मैं इसको रेड कर देता हूँ और ये आप देखेंगे ये भी रेड है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो अब इसको खोलने के लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको सेफ्टी टिप्स बता दूं। अगर आपने स्कूटर लिया है तो इन कोड को आपको फ़ोटो खींच के रखनी होगी या फिर कहीं लिख कर रखना होगा या फिर याद करके रखना होगा इन दोनों कोड को, क्योंकि इनसे ही खुलेगा ये। तो मान लीजिए आप इस कोड को अप्लाई करना चाहते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप सबसे पहले इसको आपको प्रेस एंड होल्ड लॉक पर ही, ये लॉक है तो प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा और आप यहाँ पर देखेंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये हो गई, एक बार आप इसको दबा देंगे तो ये ऑन हो गई। उसके बाद ये एक बार ब्लिंक करेगी। अब यहाँ पर मुझे एक प्रेस करना है तो एक मैंने प्रेस कर दिया। अब ये आप देखेंगे ये ब्लिंक करेगी। अब इसको ब्लिंक कर थोड़ी देर रुकना है क्योंकि यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर, एक बार और ब्लिंक हो गई। अब मुझे तीन इसमें प्रेस करना है, 1 2 3, तीन मैंने प्रेस कर दिया, 3 के बाद 5 है। अब ये जैसे ही ब्लिंक करेगी अब 5, 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद 6 है, आप ध्यान दे लें, 1 2 3 4 5 6। अब एक बार फिर से ब्लिंक करेगी, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिर से ब्लिंक करेगी, अब यहाँ पर 4 और 3 है तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 4 मैंने प्रेस कर दिया। अब इसको एक बार 3 1 2 3, ये देखिए अब ये अनलॉक हो चुका है, मैं इसको खोल सकता हूँ और मैंने चाबी नहीं लगाई है। और अब मैं इसको ऑन कर सकता हूँ और मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। इसको जैसे ही आप बंद करके फिर से लॉक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप आधे घंटे तक परेशान रहेंगे क्योंकि ये लाइट जलती रहेगी, आपका स्कूटर अनलॉक रहेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और ये अपने आप बंद हो जाएगी। अब ये स्कूटर पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। यही है एक्टिवा एच स्मार्ट को अनलॉक कैसे करें, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, धन्यवाद।